गाय में गर्भधारण संबंधित कई समस्याएं होती हैं, जिसकी उचित जानकारी के अभाव में किसान भाई समय रहते गाय की सही देखभाल व उपचार नहीं करा पाते और उन्हें निराश होना पड़ता है। किसान भाइयों, गर्भाधान संबंधित तमाम परेशानियों से गाय को बचाए रखने के लिए आपको उसकी आंतरिक व बाहरी गतिविधियों पर गौर करना होगा। आमतौर पर हमारे किसान भाई गाय के हीट में आने की पहचान नहीं कर पाते हैं या फिर वो इस प्रक्रिया में देर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाय गर्भधारण नहीं कर पाती। अगर आप गाय के स्वभाव एवं उसके द्वारा दिखाए जा रहे लक्षणों पर गौर करें तो आप उसे सही समय पर गाभिन बना पाएंगे। जिस गाय का भाग फूला हुआ दिखाई पड़े और वो काफी लाल दिखने के साथ ही उसमें गीलापन अत्यधिक दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि गाय गर्म हो चुकी है, यानी वो गर्भाधान के लिए पूरी तरह तैयार है। किसान भाइयों, इसके लिए उन्हीं गायों का चुनाव करें जो पूरी तरह से गर्म होने के लक्षण दिखा रही हो, क्योंकि कई बार इन लक्षणों की पहचान में आप भ्रमित भी हो सकते हैं। गुम्मी या चुप्पी गाय गर्म होने के बाद भी कोई बाहरी प्रतिक्रिया नहीं दिखाती हैं, इसलिए आंतरिक लक्षणों की पहचान के लिए आपको नियमित रूप से उसके भाग की जांच करनी चाहिए। हालांकि किसी भी गाय के निश्चित तौर पर गर्म होने की पुष्टि पशु चिकित्सक ही कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब आपने गर्म होने के लक्षणों को पकड़ा हो तब से कुछ दिन पूर्व ही गाय गर्म रही होगी, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है आपके पहचान के कुछ दिन बाद आपकी गाय हीट में आने वाली हो।